दोस्तों, रश्मिका मंदाना आज नेशनल क्रश कहलाते हैं। बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं। सबको इसके बारे में खुशी है, पर उनका कन्नड़ा लैंग्वेज को लेकर केयरलेसनेस, नेग्लिजिबिलिटी और लव एंड रेस्पेक्ट नहीं दिखाना फैंस के लिए गुस्से का कारण बन चुका है। रश्मिका कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट विराजपेट से बिलोंग करती हैं। जब भी उनको इंटरव्यू में या फिर स्टेज में मौका मिला है, वो कन्नड़ा लैंग्वेज को ठीक से बात नहीं करती। तेलुगु, तमिल और हिंदी लैंग्वेज को वो सीख के बात करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली फिल्म में चांस देने वाले प्रोडक्शन हाउस का नाम भी नहीं लिया, सिर्फ ऐसे साइन करके उसका इंसल्ट किया, और ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी का भी नाम नहीं लिया जिन्होंने उनको पहली बार चांस दिया था, और ऋषभ शेट्टी भी उनको अच्छा काउंटर रिएक्शन दिया था। अब ये सुनने में आ रहा है कि रश्मिका को कन्नड़ा इंडस्ट्री से और उनकी फिल्मों को कर्नाटक में बैन किया जाएगा, पर ऐसा किसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि ऐसा किसी को भी बैन नहीं किया जा सकता। लेकिन फैंस उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहते हैं, और प्रोड्यूसर्स और थिएटर ओनर्स उनकी फिल्मों को थिएटर्स में चलाने के लिए डरते हैं, क्योंकि लॉस हो जाएगा। सो उनकी आने वाली फिल्में वारिसों और पुष्पा 2 को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहली फिल्म और प्रोडक्शन हाउस को कभी भूलना नहीं चाहिए। कांतारा आज ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है। ऋषभ शेट्टी जो इसके डायरेक्टर हैं, वही डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म के थे। सो कांतारा फिल्म के बारे में जब मीडिया लोगों ने उनसे पूछा कि अपने कांतारा देखी या नहीं, तो उनका बिहेवियर कैसा है ये देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि उनमें कितना एटीट्यूड और अरोगेंस है। उनको अदर साउथ इंडस्ट्रीज में अभी भी अच्छे ऑफर है, पर वो कितने दिन तक चलेंगे, इसलिए अभी उनको माफ़ी मांगना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी पहली फिल्म कन्नड़ा फिल्म है और प्रमो स्टूडियोज ही उनके पहले प्रोडक्शन हाउस थी।